भी गुरु जी आए हैं, तो आज उनका, जैसे कल आए थे, आज उनका ये कि हम सफाई अभियान पूरे हरियाणा में चल रहा है, जो कि एक बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है, जिसमें कि पूरे टीम में आपका स्वागत है। मौजूद हैं हम कालका के अंदर, देख सकते हैं कि किस तरह सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के बाहर आते ही उनके अनुयायियों के अंदर एक अलग ही जोश सा भर गया है। उनके बाहर आते ही आज ये लोग पूरे हरियाणा प्रदेश को स्वच्छता की सौगात दे रहे हैं। देख सकते हैं कि किस तरह ये लोग लगे हुए सफाई कर रहे हैं, कोई इनके अंदर कोई शिकन नहीं महसूस हो रही, कोई शर्म की महसूस हो रही। बातचीत करेंगे इन लोगों से, कहां से आए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखदीर इंसा जी। क्वालिफिकेशन क्या सर आपका? मैं मास्टर डिग्री हूँ, एमसीए इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। प्रोफेशन क्या सर आपका? सर अभी मैं सीनियर मैनेजर हूँ कोटक महिंद्रा बैंक में। ओके ओके। एज ए मैनेजर आप यहाँ, मतलब जो प्रोफेशन है आपका सर, सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा ये रहेगा, इतने हाईली एजुकेटेड हो, मैनेजर हो बैंक के, तो आपको बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं होती? सड़कों पे झाड़ू उठा रहे हो, गंदगी उठा रहे हो लोगों की। देखो सर, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। जैसे मेरे गुरुजी हैं बसंत डॉक्टर गुरमीत राम सिंह जी, उनकी शिक्षाएं कुछ ऐसी हैं, अब हम ये सफाई कर रहे हैं, इससे समाज में जो गंदगी रुकेगी और साथ साथ इसमें हमें गर्व महसूस होता है, ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। बहुत ही अच्छी बात है सर कि हमें ये मौका मिल रहा है कि सेवा का, हम सेवा कर रहे हैं। जो ये सफाई कर रहे हो, इससे समाज को क्या फ़ायदा? सर समाज को, जैसे देखो, जैसे समाज को सर ये फ़ायदा है कि जैसे अभी आप देखो कि हर जगह अगर गंदगी पड़ी है, अगर गंदगी साफ होगी तो बीमारियां कम होगी सर, बीमारियों से हमारा समाज स्वस्थ होगा, जो कि गुरुजी का शुक्राना करेगा जिसमें हम ये जिक्र करते हैं। पैरोल पर बाबा राम रहीम जी तीसरी बार बाहर आए हैं, उनके बाहर आने से क्या फ़ायदा होगा समाज को? सर देखो, लास्ट टाइम भी जब बाबा जी पैरोल पर आए थे तो काफ़ी लोगों ने नशा छोड़ा था, काफ़ी लोगों के घर सुधरे हैं, तो उन्होंने एक डेप्थ नाम का कंपेन चलाया था जो नशा छोड़ने के लिए चलाया था। तो अभी भी गुरु जी आए हैं, तो आज उनका, जैसे कल आए थे, आज उनका ये कि हम सफाई अभियान पूरे हरियाणा में चल रहा है, जो कि एक बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है, जिसमें कि पूरे हर एक डिस्ट्रिक्ट में, 21 डिस्ट्रिक्ट में, सब तहसीलों में हो रहा है, सब डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। तो इससे क्या है कि एक समाज में एक मैसेज मिलेगा कि हमें अपने आसपास को भी साफ रखना है, ताकि हम बीमारियां से बच सके, साथ ही साथ हमें जो अंदर की बीमारियां लगी हुई हैं, जो नशा पता है जिससे घर के घर बर्बाद हुए, तो उसके लिए भी गुरुजी ने एक डेथ कैंपेन चलाया, जिसमें हमारा सरकार भी इनिशिएटिव ले रही है, ताकि सर घर बचे और ताकि हमारे देश का नाम भी रोशन हो। ये गुरुजी की सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये कि हमारा देश तरक्की करे और हमारा यूथ भी तरक्की करे और स्वस्थ रहे। क्या क्या काम है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी ने चलाए हैं, जिससे कि समाज का भला हो, हमारे देश की तरक्की हो, हमारा देश आगे बढ़े? सर देखो, अगर बात करें कि मानव भलाई के काम, सर बहुत से मानव भलाई के काम है। अगर एग्जांपल पे तौर पे दो कि देखो, हमारी जो बॉर्डर पे आर्मी है, तो हमारे बॉर्डर पे आर्मी है, हॉस्पिटल्स में जैसे पेशेंट्स हैं सबके लिए, मतलब एक ब्लड डोनेशन है, जहाँ पे भी जरूरत है वहाँ पे दिया जाता है। दूसरी चीज़, जो हमारे ट्रांसजेंडर हैं, जो इनको ट्रांसजेंडर का दर्जा दिलाया है गुरुजी ने, वो भी आजकल कहीं ना कहीं वर्किंग है, दे आर वर्किंग एज अ जज, दे आर वर्किंग इन अ पुलिस ऑफिसर, क्योंकि उनको भी सुख दुआ समाज का दर्जा दिलाया है। और जो अपने सुख दुआ समाज की लड़कियां हैं, जो मतलब अपना जिनको प्रोस्टिट्यूशन के लिए, उनको प्रोस्टिट्यूशन निकाल के लिए एक अच्छे अच्छे लड़कों के शादी की है, ताकि वो अच्छे कर्म करे, बुराई से छुटके सजा आए। तो गुरुजी के ऐसे बहुत से काम है। अब नशे के लिए जैसे लास्ट टाइम आए थे, उन्होंने एक गाना भी निकाला था, जागो लोग के जगो की, जो भी आप है अपने गांव में पहरा लगाओ, अपने सरपंचों के मिला के गारों के ठेके बंद करो, नशे बंद करो, ताकि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, जनरेशन है, वो नशा मुक्त हो, ताकि उनकी जीवन अच्छा हो, ताकि उनकी लाइफ अच्छी हो। बिकॉज क्योंकि अगर वो नशा करते रहेंगे, वो मतलब उनका जीवन ही नहीं है, कोई लाइफ ही नहीं है, तो घर परिवार खराब हो रहे हैं। तो गुरुजी ऐसे बहुत से मानव भलाईता के काम कर रहे हैं, बहुत से दर्द सर। बेटियों, जहाँ पर आज अगर बेटियों की बात की जाए, समाज सुरक्षित नहीं है, समाज के अंदर बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। आप देख रहे होंगे कहाँ दहेज प्रथा के तहत उनके ऊपर उत्पीड़न किया जा रहा है, कहीं जगह जगह पर बलात्कार हो रहे हैं, और भी कन्या भ्रूण हत्या हो रही है। बेटी उत्थान के लिए उनके द्वारा क्या कदम उठाए? सर बेटी उत्थान के लिए, जैसे कि आप गुरुजी ने एक कुल का क्राउन भी स्टार्ट किया था, कि जैसे अगर किसी के दो बेटियां हैं, मतलब वो अपने एक बेटी है, वो अपना वही छोड़ के चले जाए, तो उसके माँ बाप अकेले रह जाते हैं, तो उनके लिए कुल का क्राउन, कि अगर बेटा वहाँ पे जाके रहेगा, तो ये भी उनके बेटी के लिए, ताकि उनके बेटी का वंश
इसके आगे की आगे चलता रहे। दूसरी चीज़ बेटी के इन्होंने अपना बेटी के उत्थान के लिए काफ़ी प्रोग्राम किए हैं, जैसे उन्होंने प्रोडक्शन के लिए बोला कि अच्छा आप करो, बेटी के समाज में इज्जत हो, उसको पढ़ाई लिखाई दो ताकि वो देश का नाम रोशन कर, अपने माँ बाप का रोशन कर सके। इसलिए गुरुजी ने बेटियों के लिए, बेटों के लिए, हर समाज के हर वर्ग के लिए मतलब कुछ ना कुछ उन्होंने जरूर किया है और कर भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में भी कर रहे हैं। तो बहुत ही आप मान के चलो कि 7-8 करोड़ सात संगत थोड़ी नहीं होती। अब गुरुजी कल हैं, आज ही मैसेज मिला है, तो आप पूरे हरियाणा में चेक कर सकते हो, लाइव भी चल रहा है, तो पूरे हरियाणा में चेक कर सकते हो कि हर जगह सफाई अभियान चल रहा है। तो इसमें क्या, हमारा समाज तो साफ हो रहा है, तो इसमें संदेश भी मिल रहा है कि हम अपने बाहर को साफ रखेंगे तो हम अपने इससे क्या, हम अपना स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, हम बीमारियों से बचे रहेंगे। साथ ही साथ गुरुजी ने डेप कैंपेन चलाया, उसका मेन मोटिव ये है कि जो हमें अंदर से बीमारियां लगी हुई हैं, नशा चल रहा है, नशा पत्ता जो भी कर रहे हैं, तो उसके लिए डेप कैंपेन चले, बाकी वो अपना नशा मुक्त होकर अपनी अच्छी जिंदगी व्यतीत करें। ये गुरुजी ने डेप कैंपेन भी चलाया। ज्यादा समय नहीं लूंगा, लास्ट में संत जी के लिए सरकार से क्या अपील करना चाहिए? सर, मैं सरकार से यही अपील करना चाहता हूँ कि जैसे मेरे को और मेरी फैमिली को कम से कम 25 से 30 साल जुड़े हुए हो, तो मेरी स्टडी भी वहाँ से हुई है। तो अब दिक्कत ये है कि जैसे भी जो भी चल रहा है, अभी केसेस चल रहे हैं हमारे, पहली बात तो गुरुजी हैं जो वो एक कानून का पूरी रिस्पेक्ट करते हैं, कानून के दायरे में रह के काम करते हैं, कानून पे विश्वास करते हैं। अब जो भी चल रहा है उसका पूरा सच्चाई से हम ये बोलते हैं कि सरकार से हमारा यही रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को पूरे से ध्यान से देखा जाए, जो भी केस चल रहे हैं उनको पूरे जस्टिफाई किया जाए, उसमें क्या है, और पूरा निकल के हमारे गुरुजी को, क्योंकि गुरुजी के, वो जैसे गुरुजी के काम चल रहे हैं वो एक नेशनल लेवल नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे चल रहे हैं, और स्टूडेंट्स के लिए नहीं, यूथ के लिए नहीं, सबके लिए चल रहे हैं, ताकि उनकी हेल्प से हमारा जो देश है वो आगे बढ़ सकता है, और देश को हमारे को उनकी बहुत ज़रूरत है, ताकि अगर वो सारा साफ हो के सरकार से ये ना जल्दी से जल्दी उनको परमानेंट दुनिया के बीच में लाया जाए, ताकि वो हमारे देश को और आगे लेके जाए। थैंक यू सो मच मैनेजर साहब। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह एक हाईली एजुकेटेड प्रोफेशन के पर्सन्स हैं, जो कि सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी की पावन शिक्षा पर चलते हुए सड़कों पे उतरे हैं और सफाई कर रहे हैं पूरे हरियाणा प्रदेश की। क्या कहना चाहेंगे आप हमें वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करके बताएं। सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, देखते रहें, जुड़े रहें द फैक्ट के साथ। धन्यवाद। थैंक यू सर।